बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ अलीम चौधरी बंजार और आप देख रहे हैं बिया बंजार। आज मैं एक सीरियस किस्म के टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आजकल पाकिस्तान के अंदर एक ओपोजिशन पार्टी है जो कि इकतदार की भूखी हुई बड़ी है। अभी 2 साल ही हुए कुर्सी से दूर हुए उसके कायद को, तो वो जलसे जुलूस PDM के नाम से एक उन्होंने चोर ठगों का टोला पाकिस्तान डाकू मोमेंट शुरू की हुई है, जिसमें वो ठग बनारसी आता है और हमारी फौज पाकिस्तान को गालियाँ देती है। वो भाई खुद चोर हो, करप्ट हो, चोरी की हुई है, बीमारी के बहाने बना के लंदन में बैठे हो, तो पाकिस्तान की आर्मी को तुम गाली देते हो, तुम गद्दार हो, तुम पे आर्टिकल 6 लगता है। वो अफवाज जो मुल्क के लिए दिन रात जलजला हो, सैलाब हो, कोई भी कुदरती आफात हो, अफवाज पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर, हम अफवाज पाकिस्तान के बाजू। बगैर तो जलीलो और तल्लो तुम क्यों नहीं आते? तुम्हारे बच्चे बेटे अमेरिका में पढ़ते, लंदन में पढ़ते, दोनों सरहदों पे आते। किसी माँ बहन, किसी माँ का बेटा, किसी बहन का भाई सरहद पे शहीद होता है, तुम बगैर तो इस्लामाबाद और उधर लंदन में बैठ के याचिका करते हो? ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। हम जनरल बाजवा के साथ हैं। फौज के लिए हमारा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है। तुम टाउटो, चोरों, ठगो, बनारसियो, करप्ट जान के टोलो सब इकट्ठे हो के जलसों में हमारी आर्मी को गालियां दो। अब बात है कि ये कहते हैं कि आर्मी के खिलाफ हम बात करते हैं जी कि आर्मी ने इलेक्शन चोरी की। तो ठगो बनारसियो, तुम खुद चोर हो, आवाम ने तुमको रिजेक्ट किया है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, हमारा बदतरीन दुश्मन इसराइल, वहाँ पे आर्मी के खिलाफ बात करना, आर्मी के बजट के बारे में बात करना, उसकी सजा क्या है? शूट, किल। तो आप बगैर तो आर्मी के खिलाफ बातें करते। तो आज मैं इसी बात पे इतफा करता हूँ, ये आपको वार्निंग देता हूँ। अपना किबला दुरुस्त करें, फौज पाकिस्तान की कदर करें। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं हूँ ISI, मैं हूँ पाकिस्तान, मैं हूँ फौज पाकिस्तान। ओके, शुक्रिया।